से इसको इतिहास जैसे कहेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको शॉर्टकट में कह देते हैं। 7 वर्ष के उम्र में वे विद्यालय गए, उसके बाद 13 वर्ष को उम्र में मैट्रिक के परीक्षा पास किए, 17 वर्ष के उम्र में कॉलेज तरफ गए, लेकिन वहां नहीं टिक पाए। ये बचपन से सत्यवादी थे इसीलिए नहीं टिक पाए। उसके बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। इनके एक साथी थे, उन्होंने सलाह दिया कि तुम लंदन जाकर बैरिस्टरी करो। उसी बीच उनकी शादी भी हो गई, अब लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन जब जा रहे थे, एक कोई साथी के रूप में जो थे, बड़ा सुंदर से एक चुटकुला सुना रहे थे। ये भी बैठे थे, ध्यान से सुन रहे थे। चुटकुला क्या था? एक बार की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा कि चलो मृत्यु लोक में देखे कैसे क्या है, चलो। तीनों महात्मा को भेस पकड़े है, कहे पहले कहाँ चलोगे? अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? कनाडा चलो। वहां से जब प्रस्थान किए अमेरिका के लिए, तो रथ पर तीनों देवता बैठ गए। व्हाइट हाउस के सामने पहुंचकर कहा कि यहां पर रथ रोको। रथ को नीचे उतारा गया। तीनों देवता बाहर आते हैं और लोग सभी कुछ जनता इकट्ठा हो गए पीछे। ये कहते हैं तीनों देवता लोग, वी आर गॉड, वी कैन गिव यू ऑल थिंग्स, यू कैन पे। एक दो अमेरिकन कहते हैं, नो, We have all things. We cannot say anything. कहा कि चलो यार, यहाँ दाल नहीं गलेगी। वहां से चले जापान। जापान भी वही बात कहा। वहां से भी लौटा है। अब कहा कि चलो थोड़ा भारत में देखे। भारत में है किसी प्रदेश के खेतबारी के जगह पर शहर से बाहर उतरे। देखकर कहते वाह वाह, सब जगह से इतना सुंदर देखे, लेकिन भारत में कुछ भी नहीं, न रोड है, न लाइन है, न बिजली है। एक किसान का लड़का था, आली पर बैठा रो रहा था। कहा ओहो, ये क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? एक तो बैल, दो तो बैल था, एक तो मर गया है। तो क्या बड़ी बात है, तुमको एक और हम कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मेरे भैया को भी दो ठो था, मेरा भी दो ठो, मेरा एक ठो मर गया, तो तुमको हम 4 कर देते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? मेरा एक ठो मर गया है, तो भैया को भी मार दीजिए। ये सुनकर इनके दिमाग में बड़ा रिंग 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 पहुंचा। वहां से जब लंदन पहुंचते हैं तो बड़ी तकलीफ है। बगी में कंडक्टर था, उसने पीटा। ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, वहां भी पिटाई खाई। एक महामंडन के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए। वहां पोस्टर पर लिखा हुआ था,
Democracy is the government for the people and by the people. And स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, वह जनता के लिए, जनता के शासन बड़ा पूर्ण रूप से होता है। ये प्रभावित हुए जब कोर्ट में गए, इनको ब्लैक डॉग कहकर बाहर कर दिया, वहां से बाहर इनको कर दिया। लेकिन वहां से जब बस पकड़कर चलते हैं तो दुमंजिला बस है, दुमंजिला बस के ऊपर कुछ बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे, ये भी गए, एक सीट खाली थी, ये बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक बस स्टैंड पर गाड़ी रुक गई, एक कोई व्यक्ति आए, पौधान पकड़कर गाड़ी के अंदर गए, देखते हैं तो चारों तरफ कोई भी सीट खाली नहीं है, ये पौधान पकड़कर खड़ा हो गए। इतने में बस में जितने जनता सब थी वह खड़ा हो गए, टोपी निकाले, सामान करके फिर से बैठ गए। इनको अजीबो जैसे लगा कि बहुत सब जनता उठकर टोपी निकालकर सम्मानित किए हैं और फिर सबके सब बैठ गए, ये क्या है। एक बगल में जो बैठा था उसे पूछते हैं, हुई जी, अरे ये कौन है, ही इज आवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ये हम लोगों को राष्ट्रपति है, हैं राष्ट्रपति है, हाँ। वेयर आर गार्ड, इनका गार्ड किधर है। अरे गार्ड क्यों चाहिए, जिस देश की जनता सीट पर बैठी है और राष्ट्रपति खड़ा पौधान पकड़कर चलते हैं, उसके लिए गार्ड का क्यों चाहिए, उनका दुश्मन कौन होगा। ये बात से प्रभावित हुए। उसके बाद जब वापस लौटे इस धुंध में लग गए, सोच ही रहे थे। महात्मा गांधी जी सत्यवादी भी थे और कभी कभी मजाकिया टाइप के भी थे। एक रोज की बात है, पटना के गांधी मैदान में बैठकर कुछ लिख रहे थे, चारों तरफ कोई नहीं, एक कॉर्नर पर एक तो गधा चल रहा था, किधर से न किधर से रविंद्र जी आए, देखे यहाँ कोई नहीं है, उधर एक गधा है, महात्मा जी जी बैठे कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। हालांकि महात्मा गांधी को महात्मा नाम रविंद्र जी ही दिए हुए हैं, उन्हीं के अनुरोध पर स्वीकृत हुआ और महात्मा बने। नजदीक में जब जाते हैं, रविंद्र बाबू भी थोड़ा मजाकिए टाइप के, बापू भी मजाकिए टाइप के, नजदीक में जाकर के मजाक करते हैं। देखिए बड़े लोग को मजाक कैसे है, क्या बापू जी यहाँ गधे भी रहते हैं। देखिए चारों पर तरफ तो कुछ भी नहीं, एक तो गधा मात्र है। गांधी जी को बेवकूफ बनाए, यहाँ गधे भी रहते हैं। और जो होते तो जवाब दूसरे तरह से देते, लेकिन वो भी बड़ा सरल तरीका से जवाब देते, हाँ रहते हैं तो नहीं, कभी कभी आ जाते हैं, अर्थात गधा भी कभी कभी आ गया था, इसीलिए ये उनको गधा बना है और ये उनको गधा बना है। दोनों मतलब कि फिर बैठकर आपस में छल बल भी किए, बातचीत भी किए। एक महात्मा गांधी के साथ कोई पढ़ा था, वह पढ़ने वाला आगे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा जो था वो कलेक्टर बन जाते हैं।
जो कुछ नहीं कर पाया जूता की दुकान खोल लिया, उसी के साथ साथ कलेक्टर के साथ साथ महात्मा गांधी जी मार्केटिंग के लिए गए। एक दुकान पर, जूता की दुकान थी, वहां पर पहुंचे, स्वागत हुआ, बैठ गए। कहते हैं मुझे 9 नंबर के जूता चाहिए। तो दोनों साथी साथी थे, दोनों एक दूसरे को बड़ा मजाक किया। वे कहता है, अरे ओ रामू जी मालिक, बाबू साहब को ऊपर से 9 नंबर के 2 जूते दो। अब ये तो बुझ गए, पढ़ा लिखा है, जूते मार दिया। ये भी उसी तरह के थे, पहन लिए पैर में, फिट हो गया। बोलो यार इसका मूल्य कितना है? 500 है। देखो 300 में देते हो कि जूता निकाले। अब लाज मारकर बाध्य होकर वो भी देना पड़ा। ये मजाक में हुआ, शादी क्या उनकी हो गई पहले ही ये। होते होते फिर से बैरिस्टरी करके वापस आए बंबई में, वकील बने, लेकिन वे पैसा उनको अच्छा नहीं लगा, वे छोड़कर नेता हो गए। 33 बार जेल गए, उसके बाद सब कुछ सहते हुए भारत को आजाद किए। आजाद होने के बाद 30 जनवरी को उनको नाथूराम गोडसे द्वारा गोली से मार दिया गया। अब हम शॉर्टकट में ही समझा दिए हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा बोलने लगते हैं तो कोई जय गुरु।